What's up guys, welcome back again to our YouTube channel and new video. So guys, in this video I'm gonna review this smartwatch and मैंने इसको use भी कर लिया है. 2 से 3 दिन हो चुके हैं मुझे इसको use करते हुए and मैंने इसकी unboxing भी की थी. So आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं. So आज करने वाला हूँ इसका review and क्या क्या मुझे अच्छा लगा है, क्या क्या pros एंड क्या क्या cons है जो कि 3 दिन में मुझे पता लगे हैं. So guys, इसकी करते हैं review. एंड ऑनेस्ट रिव्यू देखने के मिलेंगे, मतलब इसमें डिजाइन, कंफर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड बैटरी चार्जिंग, बैटरी बैकअप एंड जो भी इसके फीचर्स है सारे इस वीडियो में कवर अप कर दूंगा. सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो गाइस, चलिए इसका रिव्यू करते हैं. हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आप देख रहे हैं टेक तुषार. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में. सो डिजाइन ओवरऑल काफी बढ़िया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन एंड इसका जो डायल है वो काफ़ी अच्छा है. एंड अगर आप इसको अपने रिस्ट में पहनते हो सो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई लोकल प्रोडक्ट है या फिर क्वालिटी इसकी घटिया है. क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, मतलब फील इन हैंड इसकी काफ़ी बढ़िया है, एकदम प्रीमियम दिखता है एंड फील इन हैंड भी प्रीमियम है. रिस्ट पर भी और फील इन हैंड भी काफ़ी बढ़िया है इसका एंड ऐसा नहीं लगता कि क्वालिटी इसकी बेकार है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. एंड गाइज, ये जो एयरलॉग है ये वर्किंग नहीं है एंड अगर आप इसको घुमाते हो तो ये कुछ वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप इसको एक बटन के तौर पर यूज़ कर सकते हो. ये ऐसे बटन के तौर पर यूज़ हो जाता है, मतलब इससे फीचर्स वगैरह खुल जाते हैं एंड इसके ही नीचे हमें पावर बटन ऑन ऑफ का मिल जाता है, देखने को मिल जाता है. वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, मतलब आप इसको मैग्नेट के थ्रू एक चार्जर आता है उस पर आप चिपका कर एंड इसको चार्ज कर सकते हो. एंड गाइस, इसका जो कम्फर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है. अगर आप अपने हाथ में पहन लेते हो, रिस्ट में पहन लेते हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भारी भरकम चीज़ पहनी हुई है. काफ़ी कम्फर्टेबल है इसका स्ट्रैप भी एंड इसके साथ 2 स्ट्रैप आए थे, मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया था. इसके साथ 2 स्ट्रैप आए थे, उसमें से मैंने 1 स्ट्रैप लगाया हुआ है. मैंने दोनों को ही यूज़ किया है, वैसे मैंने ज़्यादा इसको यूज़ किया है तो दोनों ही कंफर्टेबल है एंड ऐसा नहीं लगता कि कोई घटिया प्रोडक्ट एंड कोई क्वालिटी में इशू हो. एंड हाँ गाइज, अगर आपको ये वॉच परचेज करनी है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं. सो गाइज, अब बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की तरफ. सो गाइज, इसकी कनेक्टिविटी है कैसी? सो गाइज, कनेक्टिविटी इसकी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी है. देखो, जैसे कि मैं इसको कनेक्ट तो कर लेता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब आसानी से कनेक्ट हो जाती है एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है फिट प्रो. एक इसमें QR कोड है, वॉच में ही हमें QR कोड मिलेगा एंड बॉक्स के अंदर भी हमें QR कोड मिल जाएगा, उससे हम स्कैन करके एक प्ले स्टोर से वो मिल जाएगी आपको या स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ से जाकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो हैंड फ्री, मतलब कई सारे फीचर्स है जैसे कि हैंड रेज एंड अगर आप अपने रिस्ट को ऊपर को उठाते हो टाइम देखने के लिए सो इसकी जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगी वरना ये ऑफ रहेगी. एंड जैसे कि आपको मैसेज के कौन कौन सी मैसेज चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, आप उस एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो. तो कनेक्टिविटी पर थे हम. सो कनेक्टिविटी में काफ़ी ठीक कनेक्ट हो गई थी, लेकिन इसकी जो कनेक्शन है थोड़ी देर बाद या फिर थोड़ी देर बाद ये लॉस्ट हो जाता है, इसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है एंड ये बार बार डिसकनेक्ट हो जाती है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा है क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है. सो ये था कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, थोड़े कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है. अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे. सो फीचर्स इसके मैं बताता हूँ कि हार्ट रेट, स्टेप्स काउंटर फीचर एंड मैनी मोर जो फीचर्स हैं वो यूजलेस हैं एंड ठीक ढंग से नहीं बताते हैं. वैसे वॉच तो अच्छी है लेकिन इसके फीचर बिल्कुल फेक हैं, हार्ट बीट वगैरह कुछ ठीक नहीं बताता है एंड अगर आप इसको अपने रिस्ट में पहन कर भी नहीं रखे हो तब भी ये स्टेप्स काउंटिंग करता रहेगा. मैं एक बार जैसे कि बैठा हुआ था एक जगह एंड रात का समय जैसे सोने का होता है ना, सो मैं सो रहा था लेकिन इसने 500 स्टेप्स बता दी जो कि मैं चला भी नहीं था. तो इसमें फेक जो हार्ट बीट है, स्टेप्स काउंटिंग भी फेक होती है, मतलब स्टेप्स भी सही नहीं बताता है गाइज. एंड गाइज, आप इससे अपने फ़ोन भी कंट्रोल कर सकते हो जब कनेक्ट हो, जैसे कि फोन अगर इधर उधर हो तो आप इससे ही सर्च करके, मतलब इसमें एक ऑप्शन आता है आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो, या अगर आपकी वॉच कहीं इधर उधर रखी हो तो अगर वॉच फोन से कनेक्ट है सो आप वॉच को फोन से अपने ढूंढ सकते हो. ये आवाज करने लगती है, वाइब्रेशन भी करने लगती है, सो आसानी से इसको ढूंढ सकते हो अगर ये कनेक्ट है तो. सो गाइज, आप इससे फोन को कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे कि फोन कॉल भी ले सकते हो एंड इसके साइड में एक स्पीकर भी है जिससे कि आप इसमें बात इससे बात भी कर सकते हो एंड माइक भी दिया हुआ है एंड आप फोन भी कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो
जब आपका फ़ोन इससे कनेक्ट हो वॉच से, सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। आप वॉच से ही फ़ोन को कनेक्ट करके एंड थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। तो ये थे गाइज फीचर्स इसके। सो गाइज अब आ जाते हैं इसके वॉच फेसेस पे, कितने फेसेस मिल जाते हैं। सो गाइज में वॉच फेसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे वॉच में हमें डिफ़ॉल्ट मिलते हैं एंड आप इसको टच करे रखोगे, होल्ड करोगे, मतलब टच करके होल्ड करोगे, सो उसके बाद वॉच के फेसेस बदल जाएंगे। लेकिन आप उस एप्लीकेशन से, फिट प्रो एप्लीकेशन से जो ये डाउनलोड करवाएगी, इसका जो क्यू आर कोड है वो डाउनलोड करवाएगी प्ले स्टोर से, आप फिट प्रो एप्लीकेशन से इसके फेसेस भी बदल सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात लगी है मेरे को। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी एंड बैटरी चार्जिंग की। सो बैटरी चार्जिंग इसकी अराउंड 2 आवर्स में हो जाती है कंप्लीट बिल्कुल। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि ये अराउंड मैं एक बार सुबह के वक्त चार्ज की थी एंड ये अराउंड 1.5 दिन तो आराम से चलेगी, क्या पता आपकी 2 दिन भी चल जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं कुछ चीज़ करता नहीं हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ टाइम देखने के लिए चाहिए होती है, सो मैं टाइम ही देखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। जैसे कि आप इसमें अगर चलाते रहोगे तो बैटरी तो कंजप्शन होगा ही। मैं इसको एक वॉच की तरह ही यूज़ करता हूँ, मतलब कनेक्शन वेक्शन कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने यूज़ करने के लिए इसको कर ली थी। कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी एंड अगर आपको इसको परचेस भी करना है तो वहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस पीछे की तरफ यहाँ पर सेंसर भी दिया हुआ है, ये फेक सेंसर है एंड ये सिर्फ दिखाने के लिए है, वैसे लाइट ही है एंड मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड सिर्फ ये एक दिखाने के लिए है। सो ये एक ठीक वॉच है इस प्राइस सेगमेंट में, तो काफ़ी बढ़िया वॉच है एंड लुक्स भी बहुत अच्छी हैं एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। लेकिन इसके जो फीचर्स है जैसे हार्ट रेट चेक करना, बीपी चेक करना, ये सारे फीचर्स इसके फेक हैं। एंड गाइस सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं वाटर रेजिस्टेंस, मतलब वाटर में आप इसको मतलब डालकर रख सकते हो नहीं रख सकते, मतलब वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं है, वाटर प्रूफ है या नहीं है। सो गाइस मैंने इसमें वाटर टेस्ट ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब जैसे कि लोग करते हैं कि कप में पानी है तो पानी में डाल दिया इसको, ऐसे मैंने टेस्ट नहीं किया, मतलब वाटर थोड़ा बहुत डला था इस पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर आप शायद अगर आप इसको वाटर में डाल दोगे परमानेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए, क्या पता खराब हो जाए। मुझे, मैंने ये वाला टेस्ट नहीं कराया क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था एंड मैंने इसमें वाटर टेस्टिंग की है कि थोड़ा बहुत पानी डल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको रेन, जैसे रेन हो रही है तो आप वहां पर भी पहन सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। सो क्या लगता है, मैंने सारी चीजें इसमें कवर अप कर दी है एंड कोई चीज छूट गई हो सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वॉच अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कोई सजेशन हो वॉच से रिलेटेड तो कमेंट बिलो, और मिलते हैं ऐसी बड़े वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, जिससे कि लेटेस्ट एंड रेगुलर अपडेट्स ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपके पास पहुंचती रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। एंड गाइस मिलते हैं ऐसी बड़े वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।